हाई एवरी वन वेलकम टू अभिमन्यू आई एस माई नेम इज रोहित गर्चा अभिमन्यू आई एस इज अ प्लेटफॉर्म विच हेज मोर देन ट्वेंटी थ्री ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन यू पी एस सी इन वेरियस पीसीियस एग्जामिनेशन एंड हैज डिलीवर्ड मोर देन ट्वेंटी टू हंड्रेड रिजल्ट सिंस नाइनटीन नाइनटी नाइन दिस इज टू द पॉइंट एक ऐसी सीरीज जहाँ पे हम एक टॉपिक को उठाते हैं और करंट अफेयर्स के हिसाब से उसको प्रीलियम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह कवर कर देते हैं सो वंस अ टॉपिक इज डन इन टू द पॉइंट इट इज डन फॉर द प्रीलियम्स एंड इफ यू विश टू कवर

उसकी एक सेंट्रल रिपोर्टिटरी सेंट्रल डेटाबेस जो है वो फॉर्म करने की ये एक योजना है और इनॉग्रेट हो चुका है इट इज कॉल्ड नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और शॉर्ट फॉर्म में इट इज कॉल्ड नफीस सो इन दिस वीडियो इतना लंबा नाम देने के बजाय मैं भी इसको नफीस शॉर्ट फॉर्म में इत, बोलने वाला हूं कि नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम सो इंडिया ने इसका कॉन्टेक्सट यह इनॉग्रेट कि किया इसको Uh, which is a of ये, जो है, उसके लिए इट इज नॉट सिमिलर टू कि आपकी बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग के लिए नहीं है सिस्टम uh, uh, रहने वाला है उसके ऊपर है थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है कि इसका एक ना हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन एंड ये हैरानी होगी आपको सुन के कि फिंगर प्रिंट आइडेंटिफिकेशन वॉज स्टार्टेड फर्स्ट इन इंडिया इट उसके बाद में ये पूरे वर्ल्ड में फैला पायलट बेसिस पे ये जो फिंगर की स्टार्टिंग है आइडेंटिफिकेशन की वो यहीं से हुई थी लेटर सी सम स्टेटमेंट्स एंड इससे भी सवाल बन सकते हैं A system of fingerprint identification first emerged in colonial India, where it was tested before it spread to Europe and beyond. तो पहले हमारे अपने हिंदुस्तान में इसका इसकी शुरुआत हुई हालांकि इट वॉज लाइक अ टेस्ट बट फिर इट स्प्रेड टू यूरोप एंड बियॉन्ड तो आपने जितनी भी हॉलीवुड मूवीज देखी है एंड उसके अंदर जो कि फिंगरप्रिंट कंट्री विलियम हर्शल द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल कब थे ये फ्रॉम लेट मिडिल ऑनवर्ड्स यूज फिंगरप्रिंट टू रिड्यूस फ्रॉड एंड फोर्जरीज

सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो इन न्यू डेली किसके थ्रू डेवलप्ड है यहां पे इनके थ्रू डेवलप हुआ है ये uh, इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन इफ इफ यू फाइंड डायरेक्ट क्वेश्चन आई थिंक इट विल बी इजी इनफ टू अटेम्प्ट कि एनसीआरबी ने ये एक सेंट्रल डेटाबेस है रिपोर्टिट्री जो है वो बनाई है द प्रोजेक्ट इज अ कंट्री वाइड सर्चेबल डेटाबेस ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल रिलेटेड फिंगरप्रिंट्स जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था इट इज अ क्राइम एंड क्रिमिनल रिलेटेड फिंगरप्रिंट्स ये आपके जनरल रिपोजिट्री नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप एक क्रिमिनल नहीं बनते तब तक आपके ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं इसके अंदर इस डेटाबेस के अंदर नहीं आएगा पर वंस इट कम्स वो जाएगा भी नहीं तो ये वो है सर्चेबल डाटा ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल रिलेटेड फिंगरप्रिंट्स नेक्स्ट इज द वेब बेस्ड एप्लीकेशन फंक्शन द वेब बेस्ड एप्लीकेशन फंक्शन एज अ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन रिपोर्टरी बाय वॉट बाय कंसॉलिडेटिंग फिंगरप्रिंट डेटा फ्रॉम

तो ये एक एडिशनल डेटा है आज का थोड़ा सा टेंडेंसी रहते हैं यूपीएससी के टेढ़े मेढे पूछने की करंट अफेयर्स की यार फर्स्ट फर्स्ट आ जाता है ये ये सब तो ये भी इसके साथ का करंट अफेयर है कि इज फर्स्ट स्टेट पे ये देखिए इट एनेबल्स इसकी क्या यूटिलिटी है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू अपलोड ट्रेस रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस इन रियल टाइम ऑन ट्वेंटी फोर सेवन बेसिस दैट दैट इज इज द फायदा ऑफ ऐसे ऑनलाइन सिस्टम का ना दे डू नॉट रन लाइक ह्यूम इनको सोने की जरूरत नहीं पड़ती है सो दिस इज दियल टाइम में ट्वेंटी फोर सेवन बेसिस कर सकते हो क्विक एंड ईजी डिस्पोजल ऑफ केसेज अगेन वेरी नेचुरल पॉइंट वेरी स्टेट हॉट पॉइंट नफीस करता क्या है इट असाइन अक टेन डिजिट नैशनल फिंगरप्रिंट नंबर एन एफ एन टू ईच पर्सन अरेस्टेड फॉर अ क्राइम फिंगरप्रिंट का एक आपका टेन डिजिट का एन एफ एन विच इज नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर आपको उसके साथ असाइन हो जाएगा दिस यूनिक आई डी यूज फॉर लाइफ टाइम एंड डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्ड अंडर आई आर बी लिंक टू सेम एन एफ एन तो जितनी नंबर ऑफ एफ आई आर होती है ऑल अक्रॉस मतलब अगर एक स्टेट में हो रही है दूसरे स्टेट में हो रही है सबका एन एफ एन नंबर एक ही बन जाएगा और एक सेंट्रल डेटाबेस डेटाबेसिट्री उस पर्टिकुलर क्रिमिनल के खिलाफ आपके पास बन जाएगी And कौन कर रहा है इसको एनसीआरबी के थ्रू ये प्रोजेक्ट जो है आ रहा है लेटेस्ट सी दी क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा है ये. Uh, आपने ये पढ़ लिया आप, आपको क्वेश्चन इनकरेक्ट पूछा गया इफ यू वांट टू अटेम्प्टी क्वेश्चन लास्ट में चेक कर लेना आंसर सही आया कि नहीं नंबर वन इट एनेबल्स लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू अपलोड ट्रेस एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम डाटा बेस इन रियल टाइम ऑन ट्वेंटी फोर सेवन बेसिस हमने देखा था ये करेक्ट स्टेटमेंट नफीजिज नेशनल फिंगर प्रिंट नंबर टू ईच पर्सन अरेस्टेड देखिए ये स्टेटमेंट सही है अब यहाँ पे अगर आपको तंग करने का मकसद हुआ यूपीएससी का या कुछ भी तो ये टेन डिजिट को चेंज किया जा सकता है ट्वेंटी डिजिट पर ऐसे इतने इस नीचे, नीचे स्तर के क्वेश्चन आते नहीं है वैसे बट जस्ट आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये टेन डिजिट है फीस इज डेवलप्ड बाय एनसीआर एट सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो इन न्यू डेली अगेन ही हमने स्टेटमेंट डायरेक्टली करी थी और ये डायरेक्टली यहां पर पूछी गई है सो so, हमें पता है कि इसका आंसर ये है, है कि यह सही स्टेटमेंट है अनीक आई डी इज क्रिएटेड विद ईच एफ आई आर विच इज रजिस्टर्ड अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ इंडिया देखो यहां पर यह स्टेटमेंट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग कैसे अ यूनिक आई डी इज क्रिएटेड विद ईच एफ आई आर नहीं यूनिक आई डी इज नॉट क्रिएटेड विद एफ आई आर यूनिक आई डी पहले ही एफ आई आर पे क्रिएट हो जाएगी उसके बाद में वही आई डी सेम लिंक होगी ये क्या बोल रहा है कि मान लो आपकी एफ आई आर वन टू थ्री या फिर लेटर से एन नंबर आओ तो सबकी यूनिक आई डी बनेगी विच इज नॉट द केस सबकी यूनिक आई डी नहीं बनेगी इन सबकी एक आई डी बनेगी एन एफ एन विच इज टेन डिजिट का है ना तो ये वाली स्टेटमेंट इट इज रॉन्ग दिस इज दंसर बिकॉज हमसे पूछा गया विच इज दी इनकरेक्ट सो दैट वॉज टूडेज टॉपिक ऑल द बेस्ट फॉर येपरेशन दिस इज टू द पॉइंट माई नेम इज रोहित गर्चा एंड यू आर वॉचिंग अभिमन्यू आई एस